तो है गाइस, तो गाइस देखो, आज से कुछ दिन पहले की बात, मतलब 1-7 महीने से पहले की बात है, मैंने एक मेरे YouTube चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में क्या था कि किस तरीके से मैंने एक मस्कीटो, जो रैड होता है ना, जो रैकेट होता है एक मस्कीटो, मतलब मच्छर मारने वाला रैकेट को, उसको सर्किट को मतलब मैंने खुद बना दिया था, लेकिन उसका वीडियोस में नहीं ला पाया था। तो मैंने बोल दिया था कि मैंने क्या करूँगा कि मैं उसके जो डायग्राम होता है, उस सर्किट को किस तरीके से बनाते हैं, उस सर्किट को आपको डायग्राम आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन उस वीडियोस में ऐसा नहीं हो पाया। तो मैं आज की इस वीडियो में मैं इसी तरीके से जो हमारा जो सर्किट बोर्ड होता है, ज़्यादातर रैकेट के सर्किट बोर्ड जो होता है, जो मच्छर मारने वाला जो रैकेट होता है, उसके अंदर जो चिप लगा होता है, मतलब इसके अंदर जो पीसीबी डिजाइनिंग होती है, सर्किट लगा होता है, उस सर्किट को आज हम खुद घर पे बनाएंगे। लेकिन गाइस, इस वीडियो को बनाने से पहले वो सर्किट बन चुका है, लेकिन उस वाला वीडियोस को मैंने अभी तक शूट नहीं किया है। मतलब हमारा प्रोजेक्ट अभी बन के तैयार हो चुका है, लेकिन मैंने अभी मतलब वीडियोस नहीं बनाया हूँ अभी तक। तो क्या करेंगे, ऐसा सोचते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में आप वो उसी चीज़ को प्रोवाइड करूँगा कि किस तरीके से उसको बनाते हैं, उसका डायग्राम भी इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, और आपको क्या करना है, कि देखो उसको बनाना है बहुत मतलब कम खर्चे में, जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का वो वाला प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाता है। जैसे कि देखो, एक मतलब ट्रांजिस्टर चाहिए D882 का, और 3 मतलब सिरेमिक कैपेसिटर्स जो होते हैं ना वो चाहिए, एक ट्रांसफार्मर चाहिए। बहुत इजीली बन जाता है, अगर आपके घर में अगर पुराना रैकेट है तो आपको वहाँ से मतलब रैकेट के अंदर से वो मिल जाएगा। तो उस प्रोजेक्ट को आप बना सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में अभी डायग्राम दे रहा हूँ, मतलब दे दूँगा, और आप जाके वहाँ से देख लेना कि किस तरीके से उसको बनाते हैं, और आप बनाना उसको, क्योंकि जो अगली वाली वीडियोस आने वाला है, जो आगे जो वीडियोस आने वाला है, मैं दिखाऊंगा कि मेरे जो साइकिल है ना, मतलब जो मेरा जो साइकिल है, या फिर आपका जो गाड़ी भी होगा ना, तो मतलब आप तो आपके साइकिल चलाते हो, ठीक है, लेकिन दोस्ती में कोई आपका साइकिल मांगता है, आप दे देते हो, तो उसके लिए एक अच्छा सा स्मार्ट प्रोजेक्ट आने वाला है। जिस प्रोजेक्ट में क्या होगा कि आप अगर वो साइकिल, मतलब आपकी साइकिल को अगर और कोई टच करता है, तो उसको बहुत तेज करेंट का झटका लगेगा, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से इसको बनाएंगे, ठीक है, झटका मारने वाला मतलब प्रोजेक्ट है ये, ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अभी बाल काट दिया हूँ तो थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं दिखता हूँ, इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, इस प्रोजेक्ट को मतलब बना तो दे दिए हैं, बट आपको मैं थोड़ा सा मतलब इसका इस प्रोजेक्ट को सर्किट को बनाने के बाद ये किस तरीके से काम करता है, तो चलिए मतलब मैं आपको दिखा लेता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखा लेता हूँ वो प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करता है। और बात करूँ तो गाइस, मतलब बहुत तेज़ काम करता है, क्योंकि उसके अंदर जो रैकेट के अंदर एक ही आप सोच सकते हो, एक ही क्या कैपेसिटर होता है। मैं 3 कैपेसिटर लगाया हूँ, मतलब 2 कैपेसिटर और ज़्यादा लगाया हूँ, ठीक है। तो क्या है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ क्या झटका लगता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जितने भी हमारा रैकेट के अंदर जो सर्किट होता है ना, वो बहुत तेज़ झटका मारता है, ये सच है। लेकिन वो वाले करंट से किसी भी पर्सन, मतलब कोई भी बंदा या बंदी, जो कोई भी हो, या फिर एनिमल्स भी हो, ठीक है, वो मर नहीं सकते। क्यों मर नहीं सकते, क्योंकि गाइस देखो, एक इंसान को मरने के लिए, मतलब एक बॉडी को बेसिकली, मतलब किसी का मतलब इलेक्ट्रिक मतलब करंट में क्यों डेथ होता है, देखो करंट के अंदर फील दो चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करंट के अंदर, ठीक है। कि एक चीज़ क्या है, कि एक चीज़ है करंट, दूसरा चीज़ है एम्पियर, जिसे वाट भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर सोचो कि एक एग्जांपल देता हूँ, एक सांप होगा, ठीक है, एक सांप के अंदर जहर नहीं होगा, तो क्या वो जो सांप है, अगर आपको वो 10-12 बार से मतलब लगातार काटता जाएगा आपको 2000 बार भी काटेगा, ऐसे ढसेगा ना, तो क्या आप मरेंगे? बिल्कुल नहीं मरेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जहर नहीं है। तो उसी तरीके से करेंट के अंदर एम्पियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जिस सर्किट को हम बनाए हैं, वो सर्किट में क्या होता है, करेंट तो सही होता है, करेंट बूस्ट हो जाता है, लेकिन एम्पियर जो होता है, एम्पियर बूस्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण झटका तो बहुत तेज़ लगते हैं, लेकिन बंदा नहीं मरते हैं, ठीक है, बंदा नहीं मरेंगे इस चीज़ से भाई। तो इस प्रोजेक्ट को बनाओ, और बना के ज़रूर से टेस्ट करो। तो चलिए, इस प्रोजेक्ट मतलब आप तो जान चुके हैं कि किस तरीके से इसको बनाना है बेसिकली, तो चलो फिर
देख लो वीडियो किस तरीके से मतलब बना हुआ है थोड़ा मोटा सा। तो फाइनली गाइस चलिए इसे टेस्ट करते हैं सर्किट को, तो आप देख ही लिए होंगे। तो गाइस बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज आ सकता है तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो गाइस मैंने यहाँ पे 3 कैपेसिटर का यूज़ किया है, देख सकते हो किस तरीके से मतलब अच्छा सा। गाइस इसको कभी छूना मत वरना आपको बहुत तेजी से झटका लगने वाला है। भाई कोरापुट के तरफ पहुंचेगा।